भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो 26 नवंबर 2022 को देश को एक और तोहफा देने जा रहा है। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर के लॉन्चिंग पैड 1 से PSLV-XL रॉकेट की मदद से अंतरिक्ष में ओशन सेट 3 सैटेलाइट को लॉन्च करेगा। इसके साथ 8 और नैनो सैटेलाइट भी लॉन्च किए जाने की संभावना जताई जा रही है। पहले इस सैटेलाइट को अगस्त सितंबर में लॉन्च करने की योजना थी, लेकिन बाद में इसे टाल दिया गया। अलावा भारतीय समुद्री क्षेत्र के साथ मित्र देशों के समुद्री इलाकों में क्लोरोफिल, फाइटोप्लैंक्टन, एरोसोल और प्रदूषण की भी जांच करेगा। यह 1000 किलोग्राम वजनी सैटेलाइट है। ओशन सेट 3 से पहले साल 2009 में ओशन सेट 2 भी पहले लॉन्च पैड से ही छोड़ा गया था। सैटेलाइट भारतीय निजी कंपनी ध्रुव स्पेस ने बनाया है। इन्हें लोअर अर्थ ऑब्जर्वेटरी LEC में लॉन्च किया जाएगा। भूटान सेट यानी इंडियन भूटान ज्वाइंट सैटेलाइट, जो एक टेक्नोलॉजी डिमोन्स्ट्रेटर तथा आनंद निजी कंपनी पिक्सेल की सैटेलाइट है। ओशन सेट फर्स्ट को पहली बार साल 1999 में लॉन्च किया गया था। इसके बाद इसका दूसरा सैटेलाइट 2009 में अंतरिक्ष में स्थापित किया गया था। बीच में ओशन सेट 3 लॉन्च करने के बजाय स्केटर सेट फर्स्ट को भेजा गया था, क्योंकि ओशन सेट 2 बेकार हो चुका था। ओशन सेट के बारे में कहा जाता है कि इसके जरिए समुद्री सीमाओं पर निगरानी भी रखी जा सकती है, इसलिए उस दौरान स्केटर सेट को लॉन्च किया गया। स्केटर सेट में ऐसी तकनीक लगी है जो ओशन सेट की कमी को पूरा कर दे रही थी। इन 8 सैटेलाइट को PSLV-XL रॉकेट के जरिए लॉन्च पैड 1 से लॉन्च किया जाएगा। ये रॉकेट 320 टन वजनी है। इसकी लंबाई 44.4 मीटर और व्यास 2.8 मीटर है। इस रॉकेट के 4 स्टेज होते हैं। ये रॉकेट कई सैटेलाइट को अलग अलग ऑर्बिटर्स में लॉन्च कर सकता है।